शंभू और टिंगू अपने दोस्त के यहाँ झीलमपुर आए थे। झीलमपुर वैसे बहुत खूबसूरत जगह थी। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, और वो पानी तो देखो कितना साफ है। हाँ, और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत इसकी सुंदरता और बढ़ा रहे हैं। चलो क्यों ना नदी में जाकर मन दुखी लगाए। अरे नहीं नहीं, फिर कभी, अभी तो हमें बहुत जरूरी काम है। कौन सा काम? हमें तो बस अपने दोस्त मक्का राम के यहाँ जाना, उसमें थोड़ी देर में हो गई तो चल सकता है ना। भूल गए क्या, झीलमपुर में कुश्ती के मुकाबले बहुत फेमस है और मुझे वो देखने हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज है, तेरे जैसे पहलवानों के लिए तो ये एकदम बढ़िया मौका है। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ कुश्ती लड़ने वाला हूँ, मैं तो बस देखकर मुकाबले का मजा लूंगा। चल जल्दी, अभी हमें लेट हो रहा है। झीलमपुर मशहूर था कुश्ती के मुकाबले के लिए, और आज के दिन झीलमपुर में कुश्ती के मुकाबले शुरू थे, जहां किशन लाल ने अपने टैलेंट से सबको चकित किए जा रहा था। किशन लाल, किशन लाल, किशन लाल। और ये आए किशन लाल, और इनके सामने खड़े हैं चंगत राम। ये देखिए, अभी चंगत राम ने पैर में पैर रखकर किशन लाल को गिरा रहे हैं। ये किशन लाल धड़ाम से गिरने वाले हैं, लेकिन ये क्या, किशन लाल ने मारी पलटी और मंगत राम को लिया अपने कंधों के ऊपर। किशन लाल, किशन लाल, किशन लाल। मुझे उतारो, कोई कोई मुझे उतारो, किशन लाल मुझे उतारो। और किसी को मेरे साथ लड़ना है? आओ मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करो, इस चंगत राम का तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। और ऐसा कहते ही किशन लाल ने चंगत राम को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। हाय हाय मेरी कमर, ये सारी दुनिया गोल गोल क्यों घूम रही है? और कोई मुझसे मुकाबला करना चाहता है? आओ आगे आओ। ये सुनते ही सभी लोग डर गए, लेकिन चंगत राम के भाई मंगत राम ने अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए मुकाबले में एंट्री ले ली। मैं मेरे भाई का बदला लेकर रहूंगा, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। आओ आओ मंगत राम, आओ देखते हैं किस तरह तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ते हो। और ये मंगत राम अखाड़े में खड़े हो चुके हैं, और ये मंगत राम दौड़ते दौड़ते गए किशन लाल को मारने के लिए, लेकिन अरे ये क्या, किशन लाल ने तो इनका निशाना ही चुका दिया। किशन लाल, किशन लाल, किशन लाल। तुम मेरे साथ कभी नहीं जीत सकते, तुम ही क्या, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और ऐसा कहते ही किशन लाल ने झटक से जाकर मंगत राम के ऊपर छलांग लगाई और उसे भी जोर से पटक दिया। अरे मेरी मेरी हड्डियां सारी टूट गई, मुझे बचाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। देखा, मंगत राम और चंगत राम दोनों को मैंने कैसी धूल चटा दी, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। जल्दी आओ, कोई है माइका लाल जो मेरे साथ पंगा लेना चाहता है? अरे अरे ये देखो, ये क्या, सबसे शक्तिशाली पहलवान लंबू भी यहाँ पर आया है। किशन लाल को तो केवल लंबू ही हरा सकता है। किशन लाल का घमंड उतारना है तो लंबू ने किशन लाल के साथ कुश्ती करनी चाहिए। झीलमपुर में भी टिंकू की चतुराई और लंबू की ताकत का सिक्का चलता था, और लोग उसे जानते थे, लेकिन किशन पहलवान को भी उन दोनों की ताकत का और दिमाग का इम्तिहान लेना चाहता था, इसलिए उसने लंबू पहलवान को कुश्ती का न्योता दिया। अरे वाह लंबू, तुम भी आओ, अगर हिम्मत हो तो मेरे साथ लड़ने आ जाओ, देखते हैं आज कौन सच्चा खिलाड़ी है। अरे नहीं भाई, मैं तो केवल मुकाबला देखने आया था, मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे देखो गांव वालों, ये लंबू मुझसे डर गया, देखो ये लंबू पहलवान भी मेरे से डर गया, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ओए किशन लाल, तेरा घमंड तो उतारना ही होगा, लंबू तुम जाओ अखाड़े में। सभी लोगों की बहुत जबरदस्ती के बाद आखिरकार लंबू ने उसका न्योता स्वीकार किया और अखाड़े में छलांग लगाई। जैसे अखाड़े में लंबू किशन पहलवान के सामने आया, लंबू ने एकदम धोबी पछाड़ दाव खेला, उसने जाकर किशन लाल का पैर ही खींच लिया, इस वजह से किशन लाल एकदम से पीछे हट गया। क्यों किशन लाल, डर गए? मैं डरा वरा नहीं, तुम रुको अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते ही किशन लाल जोर से लंबू की तरफ दौड़ते हुए आया, लंबू ने उसे एक झटके में उठाकर पटक दिया। लंबू तुम जीत गए, हुर्रे।
किशनलाल हार गया। किशनलाल के घमंड को तो एक न एक दिन टूटना ही था। किशनलाल पहलवान हार गया। सब लोग हंसने लगे। सभी को उस पे हंसता देखकर किशनलाल पहलवान को गुस्सा आया। टिंगू भी उसके ऊपर हंस रहा था। टिंगू के ऊपर तो किशनलाल को ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए टिंगू की ओर देखते हुए किशनलाल ने धार लगाई। अगर हिम्मत है तो आओ अखाड़े में और मुझे हरा कर दिखाओ। किशनलाल पहलवान ने टिंगू को ललकारा। लंबू टेंशन में आ गया। टिंगू ठहरा पतला सा। आज तक उसने कभी भी कुश्ती के मुकाबले लड़े नहीं थे और वो इतना शक्तिशाली भी नहीं था। लेकिन ये बात किशन पहलवान को बताएगा कैसे? लेकिन हम सभी तो जानते ही हैं कि टिंगू ठहरा अकलमंद। उसे किशन पहलवान की कमजोरी पता थी। किशन पहलवान की कमजोरी थी गुदगुदी। उसने तुरंत किशन लाल की धार को स्वीकार किया। अरे हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं भी हरा सकता हूँ। इतनी भी क्या बड़ी चीज है? अरे टिंगू नहीं, तुम्हें नहीं पता ये बहुत बलशाली है। बहुत ताकत लगी मुझे इसे हराने में। लंबू मेरे भाई, अब इसके घमंड को तोड़ने का वक्त आ गया है। अरे टिंगू, लेकिन तुम तो बहुत दुबले पतले हो, तुम ये कैसे करोगे? वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ हाँ, आचट शक्ति के पोचट प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है इस किशनलाल के आवाहन को तुम्हें स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाओ सभी लोग, अभी मैं इस किशनलाल को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए टिंगू ने अखाड़े में छलांग लगाई। जैसे ही किशनलाल उसकी तरफ दौड़ते हुए आया, उसने तुरंत उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे गुदगुदा क्यों रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत करो। क्यों, कैसा लग रहा है? गांव वाले भी किशन पहलवान के ऊपर हंसने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? टिंगू ने मारी पलटी। ये कुश्ती का मुकाबला हो रहा है या हंसी का मुकाबला? ये क्या, टिंगू तो रुक ही नहीं रहा, ये तो किशन पहलवान को गुदगुदाता ही जा रहा है। इसे शायद किशन पहलवान की कमजोरी का पता है। टिंगू टिंगू सच में बहुत बुद्धिमान है। टिंगू के बुद्धि का जवाब नहीं। किशन पहलवान हंस हंस के लोटपोट हो गया और खुद ही हार गया। मुझे छोड़ दो, मैं हार गया, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें विजेता घोषित करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। सभी लोगों ने टिंगू को अपने कंधे पर बिठा लिया और जोर जोर से नाचने लगे। इस तरह टिंगू की चतुराई की जीत हुई और किशन पहलवान ने भी लंबू की ताकत और टिंगू की चतुराई का लोहा मान लिया। लंबू और टिंगू दोनों का मूड हमेशा बदलता रहता था, कभी खेलने कूदने का तो कभी कुछ तूफानी करने का। शाम का वक्त था, दोनों खाना खाकर आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। यार लंबू, आसमान में तारे नहीं दिख रहे हैं आजकल, कोई चुरा कर भाग गया क्या? क्या टिंगू भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? और एक बात बताओ टिंगू मियां, कब से तारे गिरने लगे? अरे भाई, बहुत बोर हो रहे हैं हम, कुछ थ्रिल नहीं आ रहा। टिंगू के ऐसे कहते ही लंबू ने उसे थ्रिल लाने के लिए अजीबो गरीब आइडियाज देने शुरू कर दिए। चलो पतंग उड़ाते हैं। नहीं, कुछ और सोचो। गिल्ली डंडा खेले, अभी रात में कौन भाग दौड़ करेगा? इस तरह टिंगू ने लंबू के दिए हुए हर आइडियाज को खारिज कर दिया। यह सब बोरिंग है। मैं तो भाई टिंगू अब थक गया हूँ, तुम ही सोचो कि करना क्या है। टिंगू ने आसमान में थोड़ी देर देखा, यहाँ वहाँ नजर घुमाई और झट से बोल पड़ा, क्यों ना हम समुन्दर के सैर को चले। टिंगू के इस आइडिया को सुनकर लंबू तो खुशी से उछलने लगा। वाह वाह, क्या बात कही है भाई टिंगू, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। आता कैसे नहीं लंबू भाई, आइडिया तो मेरा है ना। उठते ही दोनों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। लंबू उसके शरीर के हिसाब से एक बड़ी सी अलमारी में सामान रख रहा था, तो टिंगू एक छोटी सी सूटकेस में अपना सामान ठूस रहा था। खाने की टोकरी, साइकिल, छोटा पंखा, और क्या ले सकते हैं? अब भैया लंबू, हम वहाँ रहने नहीं जाने वाले, कुछ ही दिन सैर करके लौट कर आने वाले हैं। हाँ हाँ, पता है मुझे,
पर छोटी मोटी चीजें तो लगने ही वाली है, पता नहीं कौन सी कब काम आ जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों ही अपना सामान लेकर एक नाव खरीदने बंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत से समुद्री जहाज लगे हुए थे। राजकमल जी, अरे हमें एक नाव चाहिए थी। क्यों भाई लंबू टिंगू, अब क्या मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू करोगे? अरे नहीं नहीं राजकमल जी, मैंने और लंबू ने तय किया है कि समुन्द्र की सैर की जाए। ठीक है, तो जो जहाज तुम्हें पसंद आए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। दोनों एक अच्छी सी आलीशान जहाज पसंद करते हैं। राजकमल को पैसे देते हैं और अपना सामान उस जहाज में रखकर किनारे से निकल जाते हैं। साथ में लाया हुआ सामान अच्छे से सेट करने के बाद लंबू और टिंगू आराम से बैठकर चाय पीने लगते हैं। देखो भाई लंबू, यहाँ अपने चारों ओर पानी ही पानी भरा है और हम उसे देखते देखते चाय का मजा ले रहे हैं। सुकून और शांति है यहाँ, लेकिन तुम तो कुछ थ्रिलिंग करना चाहते थे ना? हाँ हाँ, फिर भी होगा, तुम देखते जाओ बस। और वो कैसे? टिंगू लंबू को धक्का दे देता है, जिससे लंबू समंदर में गिर जाता है। लंबू हड़बड़ा जाता है और तैरने लगता है। ये देखकर टिंगू उस पर बहुत हंसता है। ये ऐसे? ये कैसा मजाक है टिंगू भाई, मुझे पानी में गिरा दिया। रुको, मैं ऊपर आकर तुम्हें भी समुद्र में फेंक दूंगा। लंबू की ऐसी हालत देखकर टिंगू हंसता ही रहता है। ऐसे ही दो दिन का सफर होने को आता है। दिन के वक्त लंबू आराम से जहाज पर लेटा हुआ होता है और अचानक टिंगू के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे लंबू भाई जल्दी आओ, देखो क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आओ तो जरा, ये देखो मैंने क्या ढूंढ लिया है। अब क्या मिल गया तुम्हें? लंबू जाकर टिंगू की दूरबीन से वो बोलता है उस तरफ देखने लगता है, तो लंबू को एक टापू दिखाई देता है। एक मामूली सा टापू ही तो है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे लंबू भाई, हम सैर करते करते पता नहीं किस दिशा में चले आए हैं और हम दोनों ने एक नया टापू ढूंढ लिया है, देखो। तो फिर अब करना क्या है? अरे मैंने कहानियों में पढ़ा है ऐसे टापू पर खजाने बजाने मिलते हैं, चलो हम जाकर देखते हैं। दोनों टापू की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें दिखता है कि टापू पर एक घना जंगल है। हमें टापू पर नहीं जाना चाहिए टिंगू, पता नहीं वहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे इसमें ही थ्रिल है, तुम अब बस चलो मेरे साथ। कोई है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई लंबू, यहाँ इतनी दूर कौन रहने आएगा भला? चलो फिर अब बस करो, लौट चलते हैं, हमें अपने घर भी तो जाना है। चले जाएंगे, बस एक बार ठीक से खजाना मिलता है कि नहीं वो तो देख ले। तभी उन पर अचानक से आदिवासियों का हमला हो जाता है, वो लोग उन्हें कैद कर लेते हैं। अरे भाई ये लोग कौन है? अरे छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे हमें क्यों पिंजरे में डाल रहे हो, हमने क्या किया है? हुई या, या, हा, हा, हुई, हुई। अरे तुम कहना क्या चाहते हो भाई? अरे हमें कहाँ ले जा रहे हो? आदिवासी लोग लंबू और टिंगू को पकड़कर उनके कबीले की तरफ ले जाते हैं और कबीले में पहुँचते ही उन्हें पेड़ से बांध दिया जाता है। वहाँ के माहौल से लगता है कि आदिवासियों का कोई उत्सव चल रहा है, क्योंकि सभी आदिवासी नाच रहे होते हैं। तब देखकर लंबू परेशान हो जाता है और कहता है, ये कहाँ पर आकर फंस गए टिंगू भाई, इनकी तो भाषा भी समझ में नहीं आती। अच्छा खासा सफर चल रहा था और आर्य बीच में क्या हो गया? और तभी उन सभी का मुखिया वहाँ आ जाता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। मुखिया लंबू और टिंगू की ओर इशारा करके बोलता है, युमा हस युखोसा इरा ई ऊ ई आ आ। मुखिया कहता जाता है और उसके कहने के साथ साथ लोग लंबू और टिंगू के गले में हार और फूल डालते हैं। टिंगू भाई क्या हो रहा है हमारे साथ? शायद इनका कोई उत्सव चल रहा है, कोई जिसमें हमारी बलि दी जाएगी। क्या? ये सुनते ही लंबू बौखला जाता है और चिल्लाने लगता है, तुम्हें ही थ्रिल चाहिए था ना, अब मरो। अरे मेरी बात सुनो लंबू। क्या सुनना है? तुम्हारी वजह से ही फंसे हैं, अब
तुम ही बाहर निकालो। टिंगू थोड़ी देर सोचता है और अपने जेब में रखे हुए कुछ सिक्के और कुछ फ्रूट्स उन आदिवासियों के सामने रखता है। फल और सिक्कों को देखकर आदिवासी टिंगू की रस्सियां खोल देते हैं और छूटते ही टिंगू इशारों में आदिवासियों से कुछ कहता है। ऐसे फल हमारे पास बहुत है, सिक्के में बहुत है। उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ में आती टिंगू। लेकिन इशारे तो समझ में आते हैं। टिंगू इशारों में मुखिया को समझाता है कि उसके पास जहाज में बहुत सारे सिक्के और फल हैं। अगर वो चाहिए तो उन्हें जहाज तक ले जाना होगा। ये लोग नहीं मानेंगे टिंगू भाई, आज हमारी मौत पक्की है। तभी मुखिया दो लोगों से कुछ कहता है और कुछ लोग लंबू की रस्सियां खोल देते हैं। रिम्बा युपा इटी आ टी टी किटबुसा काटी युपा ये। इसके बाद दो तलवारधारी लोग लंबू और टिंगू के गर्दन पर तलवार रखकर जहाज की तरफ आते हैं। अब क्या होने वाला है टिंगू? तुम बस चुपचाप चलते रहो और बस मेरे इशारे की तरफ ध्यान दो। जहाज पर पहुंचते ही टिंगू एक फलों की टोकरी आदिवासियों की तरफ फेंकता है। आदिवासी खुश होकर फलों को उठाने लगते हैं। तभी टिंगू लंबू को इशारा कर देता है और लंबू एक मुक्के में ही दोनों को मार गिराता है। इसी का फायदा उठाते ही टिंगू जहाज के इंजन को शुरू कर देता है। चलो जल्दी लंबू, भागो! मौका देखकर लंबू जहाज में चला जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों टिंगू, मिल गया थ्रिल? अरे कैसा थ्रिल, जान बची तो लाखों पाए। टिंगू की आवाज सुनकर लंबू जोर जोर से हंसने लगता है और वो दोनों घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं।